हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्रूट साइंस पोमोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, ब्राज़ील। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म आम की बौनी किस्म है? ऑप्शन ए है आम्रपाली, ऑप्शन बी है एल्फेंसो, ऑप्शन सी है दशहरी एंड ऑप्शन डी है लंगड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, आम्रपाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। ऑप्शन ए इज राइट, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रूट मोस्ट सूटेड फॉर जेली मेकिंग। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फल कौन सा है? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है गुआवा एंड ऑप्शन डी है सिट्रस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, गुआवा। फ्रूट मोस्ट सूटेड फॉर जेली मेकिंग, ऑप्शन सी इज राइट, गुआवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच फ्रूट इज कॉल्ड एज मिरकल फ्रूट ऑफ चाइना। किस फल को मिरकल फ्रूट ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है कीवी फ्रूट, ऑप्शन सी है ऑरेंज एंड ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, कीवी फ्रूट। विच फ्रूट इज कॉल्ड एज मिरकल फ्रूट ऑफ चाइना। ऑप्शन बी इज राइट, कीवी फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हैन एंड चिकन एट डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व इन। हैन एंड चिकन नाम का डिसऑर्डर किस फ्रूट्स में लगता है? ऑप्शन ए है ग्रेप, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है लीची एंड ऑप्शन डी है बनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, ग्रेप। हैन एंड चिकन ए डिसऑर्डर इज ऑब्जर्व इन ग्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, टंग ग्राफ्टिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। टंग ग्राफ्टिंग किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? ऑप्शन ए है सडल ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी है विप ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है इनर्चिंग एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, विप ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विप ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की सबसे मीठी किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है चौसा, ऑप्शन बी है लंगरा, ऑप्शन सी है एल्फेंसो एंड ऑप्शन डी है बैगान पल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, चौसा। स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इज चौसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तरांचल, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, बिहार। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची। ऑप्शन डी इज राइट, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, ललित इज एन इम्प्रूव्ड कल्टीवार ऑफ। ललित इज एन इम्प्रूव्ड कल्टीवार ऑफ। ललित की उन्नत किस्म है? ललित किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है बेर, ऑप्शन सी है मैंगो एंड ऑप्शन डी है आंवला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, गुआवा। ललित इज एन इम्प्रूव्ड कल्टीवार ऑफ गुआवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग इज नोन एज। ऑप्शन ए है पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन बी है पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन सी है एपोमेक्सिस एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग इज नॉन एज। ऑप्शन ए इज राइट, पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज। ऑप्शन ए है पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन बी है पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन सी है एपोमैक्सिस एंड ऑप्शन डी है
नॉन ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट एपोमैक्सिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज एपोमैक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज भारत में केले का सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन सा है ऑप्शन ए है सीगाटोका ऑप्शन बी है फ्यूजेरियम बिल्ट ऑप्शन सी है बंची टॉप एंड ऑप्शन डी है पनामा बिल्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट बंची टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज ऑप्शन सी इज राइट बंची टॉप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बीरिंग हैबिट ऑफ बनाना इज बनाना में किस प्रकार की बीरिंग हैबिट होती है ऑप्शन ए है एलेक्जली ऑप्शन बी है मिक्स्ड ऑप्शन सी है टर्मिनल एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट टर्मिनल बीरिंग हैबिट ऑफ बनाना इज टर्मिनल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 माइक्रो प्रोपोगेशन इज कॉमन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑप्शन ए इज बनाना ऑप्शन बी ऑर्किड ऑप्शन सी स्ट्रॉबेरी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फेमस वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर पिकल यूज इन अचार के उपयोग के लिए आम की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है ऑप्शन ए है रामकेला ऑप्शन बी है रत्ना ऑप्शन सी है तोतापरी एंड ऑप्शन डी है मैंगो बॉम्बे ग्रीन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट रामकेला फेमस वैरायटी ऑफ मैंगो फॉर पिकल यूज इज ऑप्शन ए इज राइट रामकेला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑप्शन ए है जैक फ्रूट ऑप्शन बी है पैशन फ्रूट ऑप्शन सी है एवोकाडो एंड ऑप्शन डी है मैंगो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट एवोकाडो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पॉलिनेशन प्रेजेंट इन वॉलनट इज बाय अखरोट में मौजूद परागण किसके द्वारा होता है ऑप्शन ए है विंड ऑप्शन बी है इंसेक्ट ऑप्शन सी है बर्ड्स एंड ऑप्शन डी है नॉन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट विंड पॉलिनेशन प्रेजेंट इन वॉलनट इज बाय विंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फ्रूट रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज विटामिन ए का फल समृद्ध स्रोत है ऑप्शन ए है पपाया ऑप्शन बी है मैंगो ऑप्शन सी है बनाना एंड ऑप्शन डी है बेल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट मैंगो मैंगो में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू खजूर का वानस्पतिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है ऑप्शन ए रनर्स ऑप्शन बी सकर्स ऑप्शन सी स्लिप्स ऑप्शन डी स्टोलन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट सकर्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू सकर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी इज कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी किस प्रकार की होती है ऑप्शन ए है डिप्लॉयड ऑप्शन बी है ऑक्टाप्लॉयड ऑप्शन सी है हेक्साप्लॉयड एंड ऑप्शन डी है ट्रिप्लॉयड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑक्टाप्लॉयड कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी इज ऑक्टाप्लॉयड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 सिट्रस कैंकर इज ए डिजीज सिट्रस कैंकर किस प्रकार की डिजीज है ऑप्शन ए है बैक्टीरियल ऑप्शन बी है वायरल ऑप्शन सी है फंगल एंड ऑप्शन डी है PLO माइकोप्लाज्मा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट बैक्टीरियल सिट्रस कैंकर इज ए बैक्टीरियल डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 टू कंट्रोल मैंगो मालफॉर्मेशन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ऑप्शन ए है NAA ऑप्शन बी है IAA ऑप्शन सी है IBA ऑप्शन डी है 2,4-D इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट NAA टू कंट्रोल मैंगो मैलफॉर्मेशन ऑप्शन ए इज राइट NAA नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मैन मेड हाइब्रिड इज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट स्ट्रॉबेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 फ्रूट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ कोल्ड एरिड रीजन ठंडे शुष्क क्षेत्र के
रेगिस्तान में पाए जाने वाला फल कौन सा है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है पियर एंड ऑप्शन डी है एप्रीकोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, एप्रीकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ एपोमैक्सिस इज फाउंड इन एप्पल? एप्पल में किस प्रकार की एपोमैक्सिस पाई जाती है? ऑप्शन ए है रिकरेंट एपोमैक्सिस, ऑप्शन बी है नॉन रिकरेंट एपोमैक्सिस, ऑप्शन सी है पॉलीएम्ब्रोनी एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, रिकरेंट एपोमैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपनिंग हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा रैपनिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए है GA3, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन एंड ऑप्शन डी है इथाइलिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, इथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपनिंग हार्मोन? ऑप्शन डी इज राइट, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पपाया इज ए नेटिव ऑफ? ऑप्शन ए इज एशिया, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज ब्राज़ील एंड ऑप्शन डी इज ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, ट्रॉपिकल अमेरिका। पपाया इज नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर। बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? सेव में कड़वापन किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है मैंगनीज Mn एंड ऑप्शन डी है के। इसका ऑप्शन डी है पोटास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, कैल्शियम। बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? ऑप्शन इज राइट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पिंक फ्लैश वैरायटी ऑफ पपाया? ऑप्शन ए सनराइज सोलो, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है सूर्य एंड ऑप्शन डी है कुर्बा नेटिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, सनराइज सोलो। पिंक फ्लैश वैरायटी ऑफ पपाया, ऑप्शन ए इज राइट, सनराइज सोलो। थैंक यू।